दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ स्टूडेंट और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी कई तरीके से सहूलियत दी गई। वहीं इस बजट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी। आज दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के वित्त मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने वर्ष 2018-19 का बजट रखा। ये बहुत ही अच्छा बजट है, इसके लिए मैं मनीष जी को बधाई देता हूँ दिल्ली के लोगों की तरफ से। इस बजट में समाज के हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति का ख्याल रखा गया है, हर समाज के तबके का की जरूरतों का ख्याल रखा गया है। इसमें गरीबों के लिए खास तौर से बहुत कुछ है, महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, मिडिल क्लास के लिए, व्यापारियों के लिए, पर्यावरण के लिए, सबके लिए इस बजट में ख्याल रखा गया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने बोला कि आने वाले वक्त में सभी लोगों को इस बजट से फायदा होने वाला है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।